students of class 7. Today I teach you understanding media in civics. Students of class 7, I teach you understanding media in civics. क्लास 7 के छात्रों, आज मैं आप लोगों को सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इन डेमोक्रेसी देयर इज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस and the role of media. छात्रों, हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं. प्रजातंत्र में मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. प्रश्न उठता है, यह मीडिया क्या है? व्हाट इज दिस मीडिया? मीडिया मीडियम शब्द से मीडिया बना है. मीडियम का अर्थ होता है माध्यम. मीडिया, इस मीडियम से ही मीडिया बना है, जिसका अर्थ होता है थ्रू, बाय विच वी गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड. माध्यम यानी मीडिया, यह एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा हम हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया के देशों में क्या घटनाएं घटित हो रही है, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इसका महत्व है. स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, इट मीन्स फॉर ऑल द मीडिया इज इम्पोर्टेंट. सब के लिए मीडिया महत्वपूर्ण है. एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई रिटेलर है, कोई खुदरा विक्रेता है, कोई होलसेलर है, कोई थोक विक्रेता है. आज के इस साइंटिफिक एज में डे टू डे प्रत्येक दिन किप्स चेंजिंग होता रहता है, परिवर्तन हो जाता है. परिवर्तन होता है, जैसे कि आज के डेट में किसी भी कमोडिटीज का, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, कल क्या था, बीते हुए कल में क्या था, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था और आज क्या है. तो यह मीडिया हमें समझाता है, बताता है. हम मीडिया के द्वारा जो हमारे मीन्स ऑफ मीडिया है, मीन्स ऑफ मास मीडिया है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, रेडियोज, इंटरनेट, दीज आर द मीन्स ऑफ मीडिया. ये हमारे मीडिया के साधन हैं जिसके द्वारा हम दैनिक खबरें, दैनिक खबरों से रूबरू होते हैं. इसलिए हमारे दैनिक जीवन में इस मीडिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है. लेट अस कम वी स्टडी अगेन अबाउट द चैप्टर. व्हाट डज द चैप्टर से? It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. मैंने भी बताया कि हमारा हमारे जीवन में मीडिया का बहुत स्थान है. तो it is difficult for us, for you to imagine your life without media. आप सोच सकते हैं कि आज के इस दैनिक जीवन में, आज के इस वैज्ञानिक जीवन में, आज के इस कंप्यूटर एज में बगैर मीडिया के हमारा जीवन बड़ा ही, जीवन की कल्पना, जीवन को पास करना बड़ा ही कठिन है.
But cable, television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. लेकिन केबल टेलीविजन, टेलीविजन का केबल, आज हम घर बैठे दुनिया की समाचार देखते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाओं से जानकार होते हैं, हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है हम घर बैठे पार्लियामेंट की दृश्य को देखते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पीएम, डिफरेंट मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपोजिशन लीडर क्या काम करते हैं, क्या उनका रोल है, क्या पूरा कर रहे हैं, ये सारी बातें हम घर बैठे देखते हैं. सुधी जागदा फिनोमिनन ऑफ द रिसेंट टेलीविजन इंटरनेट. सो दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 इयर्स और दिन ब दिन ये पिछले 20 वर्षों में इस मीडिया का और ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज कीप्स चेंजिंग और द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज, मास मीडिया यानी मास मीडिया करने का मतलब जैसे मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, न्यूज पेपर, इंटरनेट, दीज आर द एसेट्स ऑफ मास मीडिया. तो इस मास मीडिया की तकनीक से जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं घर बैठे ही. सो दिस इज द रोल ऑफ द मीडिया. न्यूज पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी. आजकल समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो लाखों लोगों को समाचार पहुंचाते हैं. वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स एज अ प्रिंट मीडिया और यह मैगजीन, न्यूज पेपर्स, यह जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब से हमारे हम देश में होने वाली घटनाओं का, वैज्ञानिक इन्वेंशन का, कृषि में हो रहे प्रगतिशील परिवर्तन का पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं. स्वयं टीवी एंड रेडियो एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस प्रकार से टेलीविजन और रेडियो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. सो एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी द दिस मीडिया यूज. विभिन्न तकनीकी माध्यम से मीडिया के द्वारा हमें ये सारे समाचार हम तक पहुंचते हैं. एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट इज मीडिया यूज. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वे इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज हैज चेंज ओवर द इयर्स एंड कंटिन्यू टू चेंज. और पिछले कई वर्षों से जो परिवर्तन हो रहा है मीडिया में भी और प्रजातंत्र में, मीडिया इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया सबके लिए इक्वल है, चाहे वह रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, सबकी समाचार, जनताओं की समाचार, जनताओं की व्यूज, जनताओं के दृष्टिकोण, सारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्या फंक्शनिंग कर रही है, इन सारी रिपोर्ट, इन सब बातों की रिपोर्ट हम जनताओं तक पहुंचती है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातांत्रिक देश में मीडिया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बारे में हम और भी विशद रूप से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू. ओके.